लगा है ना किसने रोका है। आप तो उनके जितने अभियान है ना, घर घर चलो अभियान या उसके पहले के जनता तक चलो अभियान, गांव चलो अभियान, जो हसर सबका हुआ था वही इस आरटीआई का होने वाला है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले 17 साल से सरकार में है ना भाजपा, अभी तक क्या ला पाए वो। बहुत दुखद घटनाएं हैं वो, और निश्चित रूप से पीड़ादायी प्रसंग है वो। और इसके लिए सभी जनपदों के सीओ को और पीएचई विभाग को कहा कि खुले बोरवेल न रखे। सर 2000 करोड़ का कर्ज सरकार ने है, तेल के खाद तेल के दाम में 20 रुपए तक बढ़ जाए, बीजेपी ना खाऊंगे ना खाने दूंगे वाले नारे को लेकर कांग्रेस चल रही है। देखिए ये सब कांग्रेस की बातें चुनाव तक की हैं और देश इसको समझता है। और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होगा आप स्वयं देखना। ये जितने नारे की बात आपने लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, इसका हश्र क्या होने वाला है यूपी में आप वो देखिए। प्रतीक्षा करिए, पहले की वाली स्थिति भी नहीं आने वाली के साथ आ गए थे पहले। कांग्रेस अभी कह रही है कि हर विभाग कांग्रेस अभी पंजाब को देखते हुए कि वहां की सरकार बने ना बने उससे पहले ही वो, ये तो तय है कि नहीं बन रही। बड़ा बंदी का मतलब ही ये हो गया कि नहीं बन रही है। और कांग्रेस को ही क्यों करनी पड़ती है ये बड़ा बंदी, ये भी एक सोचने वाला प्रश्न। जब आपको इतना अविश्वास अपने कार्यकर्ताओं पर है तो उनको टिकट ऐसे लोगों को देते क्यों? बाकी भी तो राजनीतिक दल हैं, कोई बंधुआ बना के रखता है क्या अपने लोगों को? और भी राजनीतिक दल है ना, आप समझे कांग्रेस के लोगों की स्थिति अब कैसी हो गई है। पहले उनने जो भ्रष्टाचार का तांडव किया उसकी जांच करा लो, जनता उसकी जांच कराना चाह रही है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दो।